Good morning, students. So this is Garima, the main Finch of you all again. I welcome you all to the lecture series of computer. So students, as you know that we have discussed yesterday about how you can start with the MS Office. Okay? How you can start with the MS Office packages. In under that package, we have clicked on the MS Excel that we have to read in this chapter. Okay? We have to learn about the MS Excel. So we have learned it how you can start with the MS Excel. Now today we will go through the another more topic in that, like what is worksheet and workbook. Okay, that means what is workbook and what is worksheet under MS Excel. So before going that, we will discuss all these topics in your book. So you please come to your book and we will discuss in your book. See, it is written, the Excel window that appears on the screen is called a workbook. तो जैसे आप MS Office पे क्लिक करते हो, ठीक है, MS Office Excel पे क्लिक करते हो, तो जो आपके पास स्प्रेडशीट अपीयर होती है, कैसी स्प्रेडशीट अपीयर होती है ना, कैसी? यहाँ मैं तुम छोटा सा आपको डेमो दे रही हूँ कि कैसी स्प्रेडशीट अपीयर होती है, ठीक है? इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. दिस इज द स्प्रेडशीट, ठीक है? तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है. तो जो एक्सेल, द एक्सेल विंडो दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्कबुक, ठीक है? जो एक्सेल की पहली विंडो जो अपीयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं. यू गॉट दैट? नेक्स्ट, इट इज रिटन, इट इज असाइंड अ टेंपरेरी नेम एज बुक वन. इसको जो एक टेंपरेरी नेम असाइन किया जाता है, लाइक वाइज, तो उसको वो नेम क्या असाइन किया जाता है? द नेम इज असाइंड टू इट बुक, बुक वन. Now it is written, workbook is like a notebook which consists of number of pages. So you are aware of this word workbook. आपके पास already workbook होता है, and in under the workbook there are so many pages. And आप जैसे अपनी copy use करते हो like a notebook, तो notebook में आपके बहुत सारे pages होते हैं, और आप जैसे जैसे उसको आपको need होती है, आप उस हर एक page को fill करते हो और फिर next page पे स्विच करते हो. लाइक इन दैट मैनर कि जब हमारा काम एक पेज पे हो जाता है तो हम नेक्स्ट पेज पे स्विच करते हैं. तो वर्कबुक बेसिकली क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोटबुक पेजेस, ओके, और कॉल पेजेस, ठीक है? बहुत सारे कलेक्शन होता है पेजेस का, ठीक है? सो इट इज रिटन, वर्कबुक इज लाइक अ नोटबुक विच कंसिस्ट अ नंबर ऑफ पेजेस. वर्कशीट इज अ वर्कबुक are like pages of notebook. अब वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट जो होती है इन अ वर्कबुक, वर्कबुक के अंदर जो एक शीट अवेलेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट. फाइन, तो वर्कबुक के अंदर हमारी जो शीट अवेलेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट. तो लाइक आई टोल्ड यू कि जो वर्कबुक होता है वो होता है, वर्कबुक इज बेसिकली व्हाट? आई रिपीट वंस अगेन, वर्कबुक क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ, वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ, वर्क इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस, ठीक है? वर्कबुक इज व्हाट? इट इज द कलेक्शन ऑफ पेजेस, ठीक है? एंड नाउ व्हाट इज वर्कशीट? वर्कशीट क्या होता है? वर्कशीट जो होता है वो वर्कबुक के अंदर होता है. मतलब जो वर्कबुक के अंदर जो पेजेस अवेलेबल होते हैं, तो उन पेजेस को हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट. जो फर्स्ट पेज होगा वर्कबुक के अंदर उसे क्या बोलते हैं? वर्कशीट. फाइन, सो इट इज रिटन, वर्कशीट इन अ वर्कबुक आर लाइक पेजेस ऑफ नोटबुक, ठीक है? तो वो जो पेजेस अवेलेबल होते हैं उन्हें हम वर्कशीट बोलते हैं. और ये कहाँ होता है वर्कशीट? वर्कशीट कहाँ होता है? वर्कशीट कहाँ होता है? इट इज इन वर्कबुक, इट इज इन वर्कबुक. Fine. So I think these two words are clear to you all. Now it is written, a worksheet is a grid-like area made up of rows and column where you can enter a work with data. So worksheet basically ये आपकी worksheet है. इसको क्या बोलते हैं? ये हमारी क्या है? It is a worksheet. ठीक है? ये क्या है? Worksheet है. Because इसके पास क्या है? Rows भी है और column भी है. ठीक है? It consists what? Rows and columns. Fine?
होती है वो डिस्प्ले करती है थ्री वर्कशीट्स को, ठीक है। तो ये तीन वर्कशीट्स को डिस्प्ले करती है और वो तीनों वर्कशीट्स, तो बाय डिफॉल्ट जो इसमें कितनी कितनी वर्कशीट्स होती है, थ्री वर्कशीट्स होती है, ठीक है। आई एम राइटिंग ऑल लाइन ऑफ दिस, ओके। बॉटम तो इसमें थ्री वर्कशीट्स होती है, ओके, थ्री वर्कशीट्स होती है, ठीक है। थ्री वर्कशीट्स कहां होती है, बॉटम में होती है। और जो तीनों वर्कशीट्स होती है उसमें उनका नेम क्या होता है, पहले का नाम होता है लाइक शीट वन, शीट वन, शीट टू एंड शीट थ्री, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री वर्कशीट्स, द थ्री वर्कशीट्स विच इज अवेलेबल एट द बॉटम एंड द नेम इज शीट वन, शीट टू एंड शीट थ्री। वी कैन एड नंबर ऑफ वर्कशीट्स इन द वर्कबुक अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स ऑफ मेमोरी अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। तो जैसे जैसे आपको नीड आपकी बढ़ेगी कि नाउ यू हैव टू राइट समथिंग मोर, यू नीड मोर देन शीट थ्री, तो आप क्या करोगे, और भी शीट्स को इसमें क्या कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो। इट इज अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अकॉर्डिंग टू योर वर्क, द डेटा यू आर हैविंग, सो उस डेटा के अकॉर्डिंग आप शीट्स को क्या कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। दिस रीजन अ वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ 104,856,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स। सो दिस रीजन that how many rows and columns consist in a worksheet, it is 104,856, this is the number of rows and columns, 16,384 is the column। तो एक वर्कशीट में आपके इतने नंबर ऑफ रोज और इतने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फाबेट ऑन द टॉप। तो जो कॉलम्स होते हैं वो आपके अल्फाबेट से होते हैं। सी दिस इज द कॉलम ए बी सी डी ई एफ, ओके। तो ये क्या है, आपके नंबर ऑफ कॉलम्स है। और जो आपका ये लिखा अल्फाबेट रोज है नंबर ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कशीट, तो ये आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्फाबेट्स होते हैं वो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो यहाँ पे नंबर्स गिवन होते हैं लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो ये आपका जो होता है ये आपका क्या शो करता है, ये रोज को शो करता है, ठीक है। तो जहां पे नंबर्स लिखे होते हैं दैट इज द रोज एंड दिस ए बी सी डी ई एफ वेयर द अल्फाबेट्स आर रिटन दैट इज नोन एज कॉलम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी वर्कबुक एंड वर्कशीट। आई रिपीट वंस अगेन दैट वॉट वी हैव रीड इन दिस लेक्चर दैट वॉट इज दी वर्कबुक एंड वॉट इज दी वर्कशीट। इन दी वर्कबुक वी हैव लर्न दैट इट इज द कलेक्शन ऑफ पेजेस। वर्कबुक क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ पेजेस। एंड वर्कशीट क्या होता है आपका, वर्कशीट जो होता है वो वर्कबुक के अंदर होता है, ठीक है। और उसमें कुछ वर्कशीट जो होता है वो एक पेज होता है, कंसिडर करते हैं उसे एक शीट, ठीक है, जो कि किसमें होता है, वर्कबुक में होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि जो वर्कशीट होती है बाय डिफॉल्ट वहां पे जब हम एक वर्कबुक ओपन करते हैं फर्स्ट, तो उसमें तीन वर्कशीट होती है बॉटम में और उनके पास डिफरेंट डिफरेंट नेम्स अवेलेबल होते हैं लाइक शीट वन, शीट टू एंड शीट थ्री। एंड वी हैव लर्न कि जो ये आपका जो एक्सेल शीट होती है, आई मीन जो फर्स्ट वर्कबुक या वर्कबुक के अंदर जो वर्कशीट होती है उसमें कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और हमने ये लर्न किया कि जो नंबर ऑफ रोज है, जो नंबर ऑफ रोज है वो आपका ये नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो आपके नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम्स जो है वो अल्फाबेट्स डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट वी हैव लर्न अबाउट वर्कबुक एंड वर्कशीट। Hope you enjoyed this video. You please go through this video. If you have any doubts, you can ask me here. Thank you. Thank you for watching and stay tuned to my channel for the next upcoming video. Thank you, students.